नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की उदया तिथि दशमी और शुक्रवार का दिन है। दशमी तिथि आज दोपहर 2:02 तक रहेगी। आज सुबह से कल सुबह 9:08 तक हर्षण योग रहेगा। इसके साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार कर कल सुबह 6:36 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगल है। मृगशिरा नक्षत्र का संबंध खैर के पेड़ से बताया गया है। आज दोपहर 2:02 तक भद्रा रहेगी। आज के दिन शाम 7:56 तक हर्षल मेष राशि में वक्री होंगे। हर्षल हमारे सौर मंडल के सातवें वृत्त में रहते हैं और लगभग 84 वर्षों में सूर्य का एक चक्कर लगाते हैं, यानी कि ये एक राशि में 7 वर्षों तक निवास करते हैं। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यही जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। आज ये योग 24 अगस्त की दोपहर 2:31 से दोपहर बाद 3:20 तक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 17 अगस्त की सुबह 6:44 से अगली सुबह सूर्योदय तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त है। दोपहर 2:02 से रात 8:31 तक और रात 9:56 से अगली सुबह 5:51 तक। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 20 अगस्त की सुबह 10:15 से दोपहर 2:53 तक रहेगा। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर 2:02 से शाम 7:05 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर 2:02 से शाम 7:03 तक रहेगा। आज सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त दोपहर 2:02 से रात 8:31 तक और रात 9:56 से सुबह 3:41 तक रहेगा। अगर आज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त है दोपहर 2:02 से रात 8:31 तक। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिली जुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं है। अब यह अशुभ समय 15 अगस्त की शाम 5:59 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, सिंह, तुला और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 10:47 से दोपहर 12:26 तक। मुंबई दोपहर पहले 11:07 से दोपहर 12:43 तक। चंडीगढ़ सुबह 10:47 से दोपहर 12:27 तक। लखनऊ सुबह 10:32 से दोपहर 12:11 तक। भोपाल सुबह 10:47 से दोपहर 12:24 तक। कोलकाता सुबह 10:04 से दोपहर पहले 11:41 तक। अहमदाबाद दोपहर पहले 11:07 से दोपहर 12:44 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा सुबह 10:39 से दोपहर 12:13 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो दिशा है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम। घर से निकलकर दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में चाहिए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए। क्लॉक वाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे।
और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज शिक्षा के क्षेत्र में आपको उन्नति मिलेगी। इस राशि के स्टूडेंट्स अगर किसी नए कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आज का दिन शुभ है। साहित्य से जुड़े लोगों को उनकी काबिलियत के लिए सम्मानित किया जाएगा। दूसरों की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। बॉस आपकी परफॉर्मेंस से खुश होंगे। आपका दिन बेहतर रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों, आज आपको अचानक धन लाभ होगा। आप नए काम की शुरुआत करेंगे। जीवन साथी आपके विचारों से सहमत होंगे। डेली रूटीन में कुछ बदलाव कर सकते हैं। किसी पुराने काम से लाभ हो सकता है। परिवार का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अपनी ऊर्जा से आप बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 4। मिथुन राशि वालों, आज आपका स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा अच्छा रहेगा। माता पिता अपने बच्चों को खूब सारा प्यार देंगे। आपको अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। संगीत से जुड़े लोगों को तरक्की के नए रास्ते नजर आएंगे। जीवन साथी आपकी भावनाओं की कद्र करेंगे। आज आप कोई नॉवेल पढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर आज आपका दिन बढ़िया रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। कर्क राशि वालों, आज आप किसी बात को लेकर गलतफहमी में पड़ सकते हैं। घर के किसी मसले में राय देने से पहले विचार कर लें। किसी काम में भागदौड़ के चलते थकान महसूस होगी। आज आराम करने की जरूरत है। संतान के साथ विवाद की संभावना बन रही है। जीवन साथी के साथ संबंध ठीक रहेंगे। ऑफिस का माहौल अच्छा बना रहेगा। सभी परेशानियों का निवारण होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 9। सिंह राशि वालों, आज ऑफिस में काम की प्रशंसा के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। व्यापारी वर्ग को धन लाभ के मौके मिलेंगे। शाम को दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। संतान की तरक्की से आप खुश होंगे। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। आप काम के नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं। सफलता आपके कदम चूमेगी। कोई रिश्तेदार आपकी मदद करेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 3। कन्या राशि वालों, आज कॉन्फिडेंस के दम पर आप हर काम में सफल होंगे। किसी रचनात्मक काम में आपका रुझान बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन में खुशियां बरकरार रहेंगी। आज भाग्य आपको कुछ अच्छे मौके देगा। आपको उनका पूरा फायदा उठाना चाहिए। हेल्थ फिट रहेगी। ऑफिस में अपनी राय रखने के पूरे मौके मिलेंगे। सीनियर आपकी योजना से काफी प्रभावित होंगे। आपको बिजनेस में मुनाफा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 2। तुला राशि वालों, आज कामकाज को जल्दी निपटाने के लिए कोई नया तरीका मिलेगा। भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी। आज सेहत के प्रति सावधान रहने की जरूरत है। भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिशें सफल हो सकती हैं। व्यापार में वृद्धि होगी। बाहर के किसी व्यक्ति को आपकी बात बुरी लग सकती है। अनजान व्यक्ति से बेवजह बोलने से आपको बचना चाहिए। आपके साथ सब अच्छा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। भाई बहन आपके काम में सपोर्ट करेंगे। किस्मत का साथ मिलेगा। आज आप मौज मस्ती के मूड में रहेंगे। किसी खास के प्रति आपका विश्वास मजबूत होगा। खुद को सही साबित करने के लिए दिन अच्छा है। बिजनेस में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात होगी। आपको लाभ ही लाभ होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है स्काई ब्लू और लकी नंबर है 6। धनु राशि वालों, आज आय के नए स्रोत सामने आएंगे। ऑफिस का काम रोज की तुलना में बेहतर तरीके से पूरा होगा। जीवन साथी आपके काम की तारीफ करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आज आपको माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपकी सकारात्मक सोच भविष्य को संवारने में मदद करेगी। सेहत के मामले में सब कुछ बेहतर रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 6। मकर राशि वालों, आज आर्थिक उतार चढ़ाव की स्थितियां देखने को मिलेंगी। काम ज्यादा और लाभ कम होने की संभावना है। वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखने की जरूरत है। कारोबारी किसी साझेदारी के मसले में अपनों से सलाह लेकर काम करेंगे तो ही फायदा होगा। आज पिता की सेहत में सुधार होगा। कुल मिलाकर आज का दिन मिला जुला रहेगा। पारिवारिक जीवन सुखद बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 5। कुंभ राशि वालों, आज कारोबार में लाभ के मौके मिलेंगे। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी। परिवार में किसी धार्मिक आयोजन की रूपरेखा बनेगी। सही योजना के तहत अपने करियर में बदलाव लाएंगे। सेहत के मामले में आप खुद को फिट महसूस करेंगे। कोई जरूरी काम आज पूरा हो जाएगा। नौकरी पेशा लोगों को आज मनचाहा ट्रांसफर मिल सकता है
और आज आपका दिन खुशी से भरा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सी ग्रीन और लकी नंबर है 9। मीन राशि वालों, आज का दिन किसी महत्वपूर्ण काम के लिए शुभ है। आज अपने लोगों के साथ उदार रहेंगे, आपके साथी आपसे कुछ सलाह लेंगे, इससे आपको खुशी महसूस होगी। आज घर पर मेहमानों का आगमन होगा। आज बातचीत में ज्यादातर समय बीत जाएगा। व्यापार के सिलसिले में आपको यात्रा करनी पड़ सकती है, आपकी यात्रा मंगलमय रहेगी, सबके साथ संबंध बेहतर होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 3। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज किसी जरूरतमंद को फल दें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज केले के पेड़ का पूजन करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक 1 वालों, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आज आप खूब मेहनत करेंगे, सफलता आपको जल्दी ही मिलेगी। मूलांक 2, घर के लोग आपकी बातों को समझेंगे, साथ ही आपको कोई अच्छी सलाह भी देंगे। मूलांक 3, आपके लिए आज का दिन अच्छा है, चारों तरफ से धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। मूलांक 4, लंबे समय से रुका हुआ कोई काम आपका पूरा होगा, जिससे मन खुश रहेगा। मूलांक 5, कारोबारियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, आपको अचानक कारोबार में मुनाफा होगा। मूलांक 6, आपके सारे काम अच्छे तरीके से पूरे होंगे और आपको आगे बढ़ने के बेहतरीन मौके मिलेंगे। मूलांक 7, आज का दिन खुशहाल रहेगा, परिपूर्ण वैवाहिक जीवन में आनंद आएगा। मूलांक 8, किसी विवाद की कोई पुरानी बात आपको याद आ सकती है, जिससे आप परेशान हो सकते हैं। मूलांक 9, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी के बारे में पूरी जानकारी कर लें। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे विंडचाइम की आवाज के बारे में। विंडचाइम की आकृति के साथ साथ उसकी आवाज भी बहुत मायने रखती है। आवाज और गुडलक का सीधा संबंध होता है। जितनी अच्छी और मधुर विंडचाइम की आवाज होगी, उतनी ही तेजी से घर में गुडलक की एंट्री होगी। साथ ही घर के सदस्यों में पॉजिटिव एनर्जी भी बनी रहती है। किसी को तोहफा देने के लिए भी विंडचाइम एक अच्छा ऑप्शन है। इसे आप अपने पार्टनर, लवमेट या जीवन साथी को गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। आजकल कई तरह की विंडचाइम बाजार में आसानी से मिल जाते हैं, जो देखने में तो बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन उनसे उत्पन्न होने वाली आवाज कानों को चुभने वाली होती है, और कई तो बिना वजह बिना आवाज के ही होती। इसलिए विंडचाइम खरीदते समय उसकी आवाज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। धीमी धीमी मधुर आवाज से ही घर में खुशहाली आएगी। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की उदया तिथि दशमी शुक्रवार का दिन है। दशमी तिथि आज दोपहर 2:02 तक रहेगी। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 9:08 तक हर्षण योग रहेगा। हर्षण यानी हर्ष, और हर्ष का अर्थ है खुशी। खुशी यानी प्रसन्नता। आता है इस योग में किए गए कार्य खुशी प्रदान करते हैं। इसके अलावा आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 6:36 तक मृगशिरा नक्षत्र भी रहेगा। आकाश मंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पांचवा नक्षत्र है मृगशिरा। मृगशिरा का अर्थ होता है हिरण का सिर। मृगशिरा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह भी बिना सींग वाले हिरण के सिर को माना जाता है। मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी मंगल है। मृगशिरा नक्षत्र का संबंध खैर के पेड़ से बताया गया है। जिन लोगों का जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को मृगशिरा नक्षत्र के दौरान या हमेशा खैर के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। आज उपासना करेंगे कोई जरूरी नहीं है, उन्हें खैर के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। खैर के पेड़ को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और खैर शब्द का अर्थ होता है कथा। तो यहां बता दूं कि जिन लोगों का जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ हो, उनको कथा किसी भी रूप में नहीं खाना चाहिए। अगर पान भी खाते हैं तो बगैर कथे का पान खाएं, ये ध्यान रखिए, असली चीज ये। तो ये थी चर्चा आज हर्षण योग और मृगशिरा नक्षत्र की। और अब चर्चा करेंगे, आज दोपहर 2:02 तक भद्रा रहेगी। तो ये भद्रा जो पीछे से चली आ रही है, भद्रा हम आपको बार बार बताते हैं कि भद्रा राशियों के मुताबिक पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और आकार पाताल में होती है। आज केवल कर्क, सिंह,
कुंभ और मीन राशियों की भद्रा पृथ्वी लोक पर और अशुभ होती है। आज की भद्रा चूंकि ये वृष राशि में शाम 6 बजे के बाद मिथुन राशि में, तो ये वृष राशि की जो भद्रा है अभी तक तो 2:02 पर खत्म हो जाएगा, चंद्रमा अभी वृष राशि में है, तो इस भद्रा के कोई ऐसे मायने नहीं है। हालांकि कुछ गर्ग ने और कुछ अन्य टीकाकारों ने ऐसा लिखा है कि स्वर्ग और पाताल की भद्रा में भी भद्रा का पूंछ और भद्रा का मुख अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अधिकांश शास्त्रकारों ने ऐसी सम्मति दी है कि स्वर्गलोक या पाताल लोक की भद्रा का ज्यादा अटेंशन ही देना चाहिए, कोई ज्यादा ऐसी महत्वपूर्ण चीज नहीं है। केवल पृथ्वीलोक की भद्रा महत्वपूर्ण है और पृथ्वीलोक की भद्रा में भी शुभ कार्य अवॉइड करने चाहिए, जबकि पृथ्वीलोक की भद्रा में बहुत से ऐसे कार्य मनुष्य के जीवन के हैं जो किए जा सकते हैं। यहां आपको एक बात याद दिला दूं कि ज्योतिष अपरा विद्या है। अपरा माने परा और अपरा, यानी इस लोक की विद्या है। देखो, इस लोक में जब आप जीवित रहते हो तो यहां क्षमा मैत्री मुदिता करुणा बहुत अच्छी बात है, लेकिन ईर्ष्या घृणा कलह द्वेष और वैमनस्य भी मौजूद है। यहां आपका शत्रु भी मौजूद है, तो ज्योतिष का काम आपको यह भी बताना है कि शत्रु का निवारण कब करें, शत्रु का निवारण कैसे करें और उसके लिए उपयुक्त समय क्या है। तो जब पृथ्वी लोक की भद्रा होती है तो शत्रु के निवारण के लिए हम कितने भी अच्छे हों लेकिन हम दूसरों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते। ऐसे लोगों के समूह हो सकते हैं जो सिर्फ हिंसा में विश्वास रखते हों, तो ऐसी स्थिति के लिए भद्रा बड़ी उपयुक्त होती है। आज पृथ्वी लोक की भद्रा नहीं है और वैसा उपयुक्त समय नहीं है। जब भी कभी ऐसा उपयुक्त समय आएगा हम एक बार फिर इसके बारे में आपको याद दिलाएंगे, चर्चा करेंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे आप किस क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं। और अब बात करेंगे, आज हर्षल वक्री हो रहे हैं, शाम 7:56 पर मेष राशि में उनका मूवमेंट आजकल मेष राशि में है। आप जानते हैं कि हर्षल हमारे सौर मंडल के 7वें भक्त में रहते हैं और लगभग 84 ईयर्स में सूर्य का एक चक्कर लगाते हैं, यानी एक राशि में लगभग 7 साल तक रहते हैं, 12 7 84। ये पृथ्वी पर राजनीतिक और धार्मिक परिवर्तन लाता है, यह व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक शक्ति और आत्मबल का संचार करता है। आपकी जन्मपत्रिका में हर्षल कहां है, उसका मूवमेंट कहां है और उसके वक्री होने का इंपैक्ट क्या है, क्या आप पर उसका इंपैक्ट माइनस है या प्लस है, निगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर निगेटिव है तो निगेटिविटी से बचने के लिए क्या करें और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिविटी से बचने के लिए क्या करें, दोनों ही रास्तों में। हर्षल की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए तो अशुभ फलों से बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। और हमेशा से बात मेष राशि से शुरू होती आई है तो आज भी मेष राशि वालों, वक्री हर्षल फिलहाल आपके पहले स्थान पर गोचर कर रहा है। इस गोचर का प्रभाव आपको बेहद स्वार्थी और व्यक्तिवादी बना देगा, फासिस्ट एटीट्यूड हो जाएगा आपका, व्यक्तिवादी, व्यक्ति पूजक, आप व्यक्ति की पूजा करने लगेंगे, आप विचार की पूजा नहीं करेंगे इस हर्षल के वक्री होने के प्रभाव से, और आप केवल इंडिविजुअल के नफे और नुकसान की बात सोचेंगे, ऐसा भाव आएगा। बाकी आप स्वतंत्र हैं, आप मनुष्य हैं, अपने विचारों पर नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन हर्षल ऐसा करने वाला है तो आप नई तकनीकों का विकास करने में सफल होंगे। हर्षल के प्रभाव से आपकी मानसिक शक्तियां अचानक बढ़ सकती हैं, आपकी दृष्टि साइंटिफिक हो जाएगी, वैज्ञानिक हो जाएगी, आप हर चीज को एक अलग नजरिए से परखने की कोशिश करेंगे। ऑफिस में आपके नेतृत्व तो शक्ति का सिक्का चलेगा। हर्षल से बेहतर नतीजे पाने के लिए दही या दही से बनी चीजों का सेवन करना चाहिए। वृष राशि वालों, वक्री हर्षल फिलहाल आपके 12वें स्थान पर गोचर कर रहा है। वक्री हर्षल के गोचर से आपकी मानसिक तरंगे अपनी दिशा बदलेंगे। दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा, आपको शैया सुख की, भरपूर शैया सुख की प्राप्ति होगी, आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी, नींद गहरी आएगी, जरूरतों को पूरा करने के लिए खुलकर पैसे खर्च करेंगे। तो हर्षल से बेहतरीन लाभ पाने के लिए आपको जैस्मीन की सुगंध का उपयोग करना चाहिए। और मिथुन राशि वालों, वक्री हर्षल फिलहाल आपके 11वें स्थान पर गोचर कर रहा है। वक्री हर्षल के गोचर से आपके अंदर मानवता की प्रवृत्ति बढ़ेगी, आप दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे, आपके विचार क्रांतिकारी बन जाएंगे,
व्यक्तिवादी प्रवृत्तियां बढ़ेंगी, आपका टीम वर्क अच्छा रहेगा। हर्षल के प्रभाव का फायदा उठाने के लिए आपको किसी वृद्ध महिला को सूती कपड़ा गिफ्ट करना उचित रहेगा। कर्क राशि वालों, वक्री हर्षल फिलहाल आपके 10वें स्थान पर करियर में, नौकरी में, व्यवसाय में गोचर कर रहा है। वक्री हर्षल के इस गोचर का प्रभाव की नौकरी और करियर पर पड़ेगा। करियर की गाड़ी पटरी से एक झटके से उतर सकती है और गाड़ी जब तक चल रही है तो धीमी तेज हो सकती है, नीचे उतर आए तो वापस उसको पटरी पर लाना दुस्तर होता है। इस दौरान व्यापार में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दूसरे लोगों पर अपने व्यक्तित्व का असर बनाए रखने के लिए आपको प्रयास करने होंगे, अतः हर्षल के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आपको तेज पत्ता और नमक का दान करना चाहिए, इससे आपका जीवन स्तर बेहतर होगा। सिंह राशि वालों, वक्री हर्षल फिलहाल आपके 9वें स्थान पर गोचर कर रहा है। वक्री हर्षल के इस गोचर के प्रभाव से आपका धार्मिक विश्वास सुदृढ़ होगा। इस बीच आप उग्र हो सकते हैं, आप समाज को सही रास्ता दिखाना चाहेंगे। आपको समस्याओं से अपना बचाव करते हुए समाज का मार्गदर्शन करना होगा। बाधाओं से बचाव के लिए आपको अपने घर की उत्तर पूर्वी दिशा में भगवान शंकर का चित्र लगाना चाहिए, ऐसा करने से आप समस्याओं से बचे रहेंगे। हाँ, चित्र को अपने बेडरूम में बिल्कुल भी ना लगाएं, चित्र को पूजा घर में लगाइए। कन्या राशि वालों, हर्षल फिलहाल आपके 8वें स्थान पर गोचर कर रहा है। वक्री हर्षल गोचर के प्रभाव से आपकी अंतर चेतना जागेगी, इंट्यूटिव पावर्स, आपके अंदर नए विचार उत्पन्न होंगे। आपका स्वास्थ्य भी इस दौरान अच्छा बना रहेगा, आपके अंदर नई स्फूर्ति आएगी, आप किसी परंपरागत सिद्धि को हासिल करने की कोशिश करेंगे। हर्षल के शुभ परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। तुला राशि वालों, वक्री हर्षल फिलहाल आपके 7वें स्थान पर गोचर कर रहा है। वक्री हर्षल के गोचर के प्रभाव से आपको बिजनेस में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस के ऊपर संदेह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, अतः इस स्थिति से बचने के लिए आपको अपने घर में नेवले का एक चित्र लगाना चाहिए, संभव हो तो नेवले को दूध पिलाना चाहिए, स्थिति ठीक बनी रहेगी। वृश्चिक राशि वालों, वक्री हर्षल फिलहाल आपके 6ठे स्थान पर गोचर कर रहा है। वक्री हर्षल के गोचर के प्रभाव से आपको लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। इस दौरान शोधकर्ताओं और गणितज्ञों से आपकी मुलाकात हो सकती है, आपको विकसित तकनीक में काम करने का मौका मिलेगा। हर्षल के गोचर के शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आपको उगते हुए सूर्य के दर्शन करने चाहिए, इससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। धन राशि वालों, वक्री हर्षल फिलहाल आपके 5वें स्थान पर गोचर कर रहा है। वक्री हर्षल के इस गोचर के प्रभाव से आपके अंदर क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आप रचनात्मक कार्यों की ओर आकर्षित होंगे, आपके अंदर नई चीजों को खोजने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। तो हर्षल के गोचर के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आपको नियमित रूप से संगीत सुनना चाहिए, इससे आपका मन खुश रहेगा और आपके अंदर क्रिएटिविटी बढ़ेगी। मकर राशि वालों, वक्री हर्षल फिलहाल आपके 4ठे स्थान पर गोचर कर रहा है। वक्री हर्षल के गोचर के प्रभाव से आप असमंजस भरी स्थिति में रहेंगे। हर्षल का यह गोचर आपको सुख की तलाश में घर से बाहर ले आ सकता है, आपको कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है, अतः इस स्थिति से बचने के लिए और शुभ फल पाने के लिए आपको घर के बाहरी दरवाजे के बाईं ओर पानी से भरा बर्तन रखना चाहिए, इससे आपकी स्थिति में सुधार होगा। कुंभ राशि वालों, वक्री हर्षल फिलहाल आपके 3रे स्थान पर गोचर कर रहा है। वक्री हर्षल का यह गोचर सोशल मीडिया में आपकी सक्रियता को और बढ़ा देगा, आप लोगों के बीच अपना दायरा बढ़ाना चाहेंगे, भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। हर्षल के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए गाय को जौ की रोटी खिलानी चाहिए, ये आपके लिए शुभ फल देने वाला होगा। मीन राशि वालों, वक्री हर्षल फिलहाल आपके 2रे स्थान पर गोचर कर रहा है। वक्री हर्षल के गोचर के प्रभाव से आपके पास धन का आना जाना लगा रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति अस्थिर हो सकती है, धन की अनिश्चितता बढ़ेगी, इस तरह की स्थिति से बचने के लिए आपको धर्मस्थल पर लगातार जाते रहना चाहिए, मंदिर में भगवान के दर्शन करने चाहिए। तो ये सारी चर्चा थी आज हर्षण योग, मृक्ष नक्षत्र और हर्षल के मेष राशि में बकरी होने के बारे में। हर्षल के मेष राशि में बकरी होने से विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव होगा और उस स्थिति में आपको क्या उपाय करने चाहिए, आज हमने इसकी चर्चा की है। उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको फायदा जरूर होगा।
और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है ए, कुछ फालतू विवाद आपके सामने आएंगे, आपको बचकर रहना चाहिए। बी, ऑफिस में सीनियर्स का सहयोग मिलेगा। सी, आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहेगा। डी, कार्य क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे। ई, किसी चीज में आप जल्दबाजी न करें। एफ, अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस करेंगे, लोग आपसे खुश होंगे। जी, जीवन साथी के साथ अच्छे पल बिताएंगे, वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा। एच, परिवार का वातावरण शांतिदायक रहेगा, आध्यात्मिकता की ओर आपका रुझान बना रहेगा। आई, आज का दिन फायदेमंद रहेगा, किसी काम में आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। जी, आपके लिए आज का दिन अच्छा बना रहेगा, परिवार के साथ आप खूब मौज मस्ती करेंगे। के, पूरे दिन खुद को तरोताजा महसूस करेंगे, साथ ही आमदनी में इजाफा होने के योग बन रहे हैं। एल, जो लोग मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं उन्हें तरक्की के कई सुनहरे मौके मिलेंगे। एम, किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होगी, उसके साथ बिजनेस के बारे में बात करेंगे। एन, काम की उलझनों में आप फंस जाएंगे, जिससे आपको थोड़ी थकावट महसूस होगी। ओ, बच्चों को पार्क में घुमाने ले जाएंगे, जिससे बच्चे आपसे बहुत खुश होंगे। पी, रुके हुए काम धीरे धीरे पूरे होते जाएंगे, काम पूरे होने पर आप बहुत खुश होंगे। क्यू, जिस अच्छे मौके का आपको इंतजार था वो मौका आज आपको मिलेगा। आर, अचानक घर पर कोई मित्र आएगा। एस, घर में चल रहा झगड़ा आज खत्म होगा। टी, बड़े बुजुर्ग की मदद करने से राहत महसूस होगी। यू, किसी भी काम को शुरू करने से पहले भगवान का नाम जरूर ले। वी, आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा। डब्ल्यू, घर में खुशी का माहौल बनेगा, संतान से कोई खुशखबरी मिलेगी। एक्स, फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने जाएंगे, कुछ सामानों पर विशेष छूट भी मिलेगी। वाई, आपको हर किसी का सहयोग मिलेगा। जेड, लोगों को अपनी बातों से प्रभावित करेंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं काली घाट मंदिर के दर्शन। काली घाट मंदिर, काली मंदिर पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर के कालीघाट में स्थित देवी काली का प्रसिद्ध मंदिर है। कालीघाट मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। मान्यता है कि कालीघाट मंदिर में सती के दाएं पांव की 4 उंगलियां गिरी थी। यहां की शक्ति कालिका व भैरव नकुलेश हैं। इस पीठ में काली की भव्य प्रतिमा मौजूद है, जिनकी लंबी लाल जिह्वा मुख से बाहर निकली है। मंदिर में त्रिनयना माता रक्तांबरा, मुंडमालिनी, मुक्तकेशी भी विराजमान है। तो आप भी कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ दी डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 14 अगस्त को भाद्रपद कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है। दशमी तिथि में कलम्बी के शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि आज दोपहर 2:02 तक रहेगी, उसके बाद एकादशी लग जाएगी जो कल 2:21 तक रहेगी। एकादशी तिथि में शिमली यानी सेम की सब्जी का सेवन निश्चित है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की यात्रा की शुभ दिशा क्या है। तो कल की यात्रा की शुभ दिशा है दक्षिण पश्चिम और पश्चिम। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्य कश्यप वक्ष स्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणुकुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसरे विसरे पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठा ठा एहि एहि रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज धर्म स्थल पर माथा टेके सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 01244721000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।